Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे करंट अफेयर्स ऑफ द फर्स्ट 15 डेज ऑफ द अप्रैल. ऑलमोस्ट लगा लो आप कि जो आधा मंथ है अप्रैल का, उसके जो है करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो है वो हम कवर करेंगे. ठीक है, ये 4th से लेके 17th अप्रैल तक है, तो जो प्रीवियस हैं वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो जो हमारा फर्स्ट जो है फर्स्ट न्यूज़ है कि 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड वर्चुअली. ठीक है, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, तो जितनी भी जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं या समिट्स हो रहे हैं वो वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं. तो ठीक है, रिसेंटली अभी बिम्स्टेक जो है मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई थी. तो इसमें इम्पॉर्टेंट हमने क्या याद रखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप की गई थी. तो ये 1997 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन. ठीक है, जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था ओनली 4 कंट्रीज़ जो थी वो इसका मेम्बर थी. ठीक है, वो कौन कौन सी थी, उसमें थी हमारे पास बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड. लेकिन 2000 में क्या हुआ था कि म्यांमार, नेपाल और भूटान ने इसे ज्वाइन किया था. ठीक है, तो इसका नाम जो था वो बिम्स्टेक पड़ा था. ठीक है, नेक्स्ट इज उसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ, इसके मेंबर्स जो है वो याद रखना, बंगाल, देखो स्टार्टिंग से देख लो, बंगाल यहाँ पे देखते हैं, बंगाल, फिर इंडिया, फिर म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड. ठीक है, और दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, नेपाल और भूटान, बाकी सब इसमें जो है फुल फॉर्म से ही ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे. ठीक है ना, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान को याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ सार्क. हाँ, अब सार्क जो है वो भी साउथ एशिया का जो है एक एसोसिएशन है. ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट थी, तो आप को इसके भी मेंबर्स जो हैं वो याद रखने. देखो जो बिम्स्टेक और सार्क है ना, इन दोनों के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सार्क को भी इंक्लूड किया है. तो सार्क जो है वो 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके मेंबर्स हैं इंडिया, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल एंड भूटान. एक चीज़ ध्यान में रखना कि पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ सार्क बट नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक. ठीक है, नेक्स्ट इज़ हु वन द साउथ एशियन वुशू चैम्पियनशिप. ठीक है, तो साउथ एशियन वुशू चैम्पियनशिप के जो विनर थे वो कौन थे, अनियन मिथुन. नेक्स्ट इज रुपीज़ 4890.35 crore GST कलेक्टेड इन JNK. एज सच दिस फिगर इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो JNK का जो GST कलेक्शन है वहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ आई है. ठीक है, जो हमारे GST कलेक्शंस जो है वहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रोथ आई है पिछली बार से, जो इस टाइम के मुकाबले में जो GST रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है. दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट इज़ वेयर विल मेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हेल्ड. तो ये कहाँ पे होगी, ये होगी उज़्बेकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकेंत में इन 2023 में. ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट. ठीक है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, रामगुंडम इन तेलंगाना बाय द NTPC, और ये 100 MW का होगा. ठीक है, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट सेटअप इन द मध्य प्रदेश. और जो दुनिया का जो सबसे बड़ा है जो सोलर पावर प्लांट वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, ओमकारेश्वर डैम ऑन द नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश में. ठीक है, कहाँ पे, ओमकारेश्वर डैम इन द नर्मदा, ऑन द नर्मदा रिवर. नेक्स्ट इज हु वॉज इंडियाज फर्स्ट इन्वायरमेंट मिनिस्टर. तो इंडिया के जो पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे वो थे दिग्विजय सिंह झाला फ्रॉम द गुजरात. अब इनको यहाँ पे क्यों कवर किया गया है, एक्चुअली रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये इंडिया के सबसे पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे. ठीक है, तो पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड. तो वो कौन है, मल्लिका श्रीनिवासन. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब जो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है उसकी कोई फीमेल जो है चेयरपर्सन जो है सिलेक्ट होकर जो है वो आई है. यूजुअली क्या होता है कि मेल जो है वही डोमिनेट करते हैं चेयरपर्सन की पोजीशन को. तो इस बार जो है वो मल्लिका श्रीनिवासन, मतलब एक कोई फीमेल जो है वो एज अ चेयरपर्सन जो है वो वहाँ पे अपॉइंट की गई हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ नासाज इनजेन्यूटी हेलीकॉप्टर लैंड्स ऑन द मार्स. ठीक है, इट हैज़ बीन अटैच टू द प्रिजर्वरेंस रोवर ऑफ द नासा. ठीक है, जो प्रिजर्वरेंस रोवर है नासा का, ये कहाँ पे जो इन्होंने सेंड किया है तो वो है मार्स. बस यही इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान में रखना. और इनजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का जो है वो ध्यान में रखना कि वो इसके साथ जो है वो लिंक करता है. ठीक है,
नेक्स्ट इज़ हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जेएनके बैंक, तो वो चेयरमैन कौन है, आर के चिब्बर. नेक्स्ट इज़ चिनाब आर्किटेक्चर ब्रिज, तो ये आपको पता ही होगा कि ये दुनिया का जो सबसे बड़ा जो है, सबसे टॉलेस्ट जो है वो रेल ब्रिज जो है वो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बनेगा. तो ये 1315 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, तो इसकी हाइट जो है वो 359 मीटर्स है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ इट फॉर्म्स अ क्रूशियल लिंक बिटवीन द कटरा एंड द बनिहाल विच इज़ अ पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन ऑफ द कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट, ठीक है. तो ये इसी का जो है वो पार्ट रहेगा कि ये कनेक्ट करेगा कटरा एंड द बनिहाल को, जो अगेन जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसका पार्ट है, ठीक है. अब एक इसकी इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि ये जो अर्थक्वेक है विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ अप टू 8 एंड अ हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट को जो है वो टॉलरेट कर सकता है, ठीक है. मतलब अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टॉलरेट कर लेगा उसको, मतलब, ठीक है. नेक्स्ट इज़ ट्यूलिप फेस्टिवल और इनाग्रेटेड, तो अभी रिसेंटली जो है वो ट्यूलिप फेस्टिवल जो अप्रैल के जो है मंथ में यूजुअली जो है वो सेलिब्रेट करते हैं श्रीनगर में, ठीक है. तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसको इनाग्रेट किया था. तो ओवर 15 लाख फ्लावर्स ऑफ मोर देन 64 वेराइटीज़ आर इन फुल ब्लूम ऑन द फुट हिल्स ऑफ द जबरवान माउंटेन्स, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन की ये कहाँ पर लाई करते हैं, जबरवान माउंटेन्स में, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड फेमस डल लेक, ठीक है, इन श्रीनगर. नेक्स्ट इज़ रिसेंटली एक्स रेज फ्रॉम विच प्लैनेट हैज़ बिन डिटेक्टेड, तो ये कहाँ से डिटेक्ट की गई हैं, यूरेनस से. अच्छा, यूरेनस की एक चीज़ ध्यान रखना, इसको हम साइडवेज प्लैनेट बोलते हैं. अब ऐसा क्यों है, बिकॉज देखो हमें पता है ये हमारी अर्थ है और ये टिल्टेड होती है यहाँ से, ठीक है. अगर हम यूरेनस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, मतलब लगा लो इस तरीके से, जैसे अगर ये यूरेनस है तो इतना टिल्टेड है ये, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये लाइन बीच से जाती है, इसीलिए इसको साइडवेज प्लैनेट जो है वो बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज़ व्हेन डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड हेल्थ डे, तो वर्ल्ड हेल्थ डे वी ऑब्जर्व ऑन 7th of April, ठीक है, और इसकी जो थीम है वो क्या है, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन. नेक्स्ट इज़ Who has been appointed as the Chief Justice of India? तो रिसेंटली अभी चीफ जस्टिस हमारे 48th कौन से अपॉइंट किए गए, NV रमन्ना, ठीक है, इनको ध्यान रखना. और इनको कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेजिडेंट. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी, तो जो अभी हमारे रिसेंटली जो अपॉइंट किए गए वो कौन है, तरुण बजाज. नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन, तो अटल इनोवेशन मिशन के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, चिंतन वैष्णव, ठीक है. तो ये बोल रहे हैं चिंता मत करो अब मैं आ गया हूँ, ठीक है. तो ये है डॉक्टर चिंतन वैष्णव. नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट्स एक्सचेंज, तो स्पोर्ट्स एक्सचेंज के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, पृथ्वी शॉ, ठीक है. रिसेंटली बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो इंपॉर्टेंट ही मैंने कवर की हैं, तो इनको जो है याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट इज़ हु रिसीव द 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वो किसको मिले हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू इन साइकिलिंग, ठीक है. इनको जो है वो दोनों साइकिलिंग में ही मिले हैं, एक इन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को कवर किया था साइकिलिंग से, मतलब बहुत ही कम समय में इन्होंने पूरा जो है कुछ सर्टन किलोमीटर्स को जल्दी कवर किया था, और फिर उन्होंने लेह से मनाली तक भी एक जो है वहाँ पे भी रिकॉर्ड बनाया था, तो उसी की वजह से इन्हें 2 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड जो है वहाँ पे इनका इनके नाम पे जो है वो रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है. तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल याद रखना, ये कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. नेक्स्ट इज़ हु इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई द टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है. तो जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स जो है जापान में जो होने वाले हैं, समर ओलंपिक्स भी जिनको हम बोलते हैं, तो उसमें जो है वो कौन सेलेक्ट हुई हैं एज अ वुमेन सेलर, तो वो है नेत्र कुमानन, ठीक है. नेक्स्ट इज़ एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस द सार्थक, ठीक है. इट विल हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है. तो एजुकेशन मिनिस्टर जी ने जो है वो इसे लॉन्च किया गया था ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सके इजीली हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को. नेक्स्ट इज़ बुक रिलीज ऑन मनोहर पारिकर, ठीक है. मनोहर पारिकर जी पे जो है वो बुक रिलीज़ की गई है, तो वो इस पे क्या लिखा है, मनोहर पारिकर, दिस MP स्टैंड फॉर मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ एंड इट वॉज रिटन बाय नितिन ए गोखले, ठीक है. नेक्स्ट इज़ टीका उत्सव, तो टीका उत्सव जो है वो 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक जो है उसे सेलिब्रेट किया जाएगा. मतलब इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो हम वैक्सीनेट करें, क्योंकि रिसेंटली जो कोरोना के केसेस हैं उनमें काफ़ी जो है वो सर्ज दिखा है, इसीलिए टीका उत्सव जो है नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया कि हम जल्दी से जल्दी लोगों का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का जो है वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट इज़ E9 इनिशिएटिव,
ठीक है, ये क्या है, ये एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें 9 कंट्रीज़ हैं, 9 मेंबर्स को याद रखना है, इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो इन्होंने जो है इनकी मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई थी, जिसके ऊपर इन्होंने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के ऊपर बात की थी, एजुकेशन फॉर ऑल, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सफ़र हुए हैं। ठीक है, तो उस पर कुछ डिस्कशंस करेंगे कि कैसे आगे कमेंट्स करनी है स्टडीज़ वगैरह, तो उसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इज़ चंद्रा नायडू पासिस अवे, तो ये कौन थी, ये कौन थी इंडिया की फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड द CEO ऑफ द सिडबी बैंक। तो इसके जो MD जो अपॉइंट की गए हैं वो है एस रमन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड होम्योपैथी डे, तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं 10 अप्रैल को। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द AAI, दैट इज़ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो कौन है, हमारे संजीव कुमार। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, तो वो कब होता है, 12 अप्रैल को। तो ये एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करते हैं ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बाय द यूरी गागरिन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द यंगेस्ट फीमेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स इज द सोनम मलिक। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखना कि जो यंगेस्ट फीमेल रेसलर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, वो सोनम मलिक है। विच इज़ द फास्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कम्प्लीट द 100 मिलियन डोजेज ऑफ द COVID-19 वैक्सीन, तो वो कौन है, इंडिया। ये पूछ सकते हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आया था सब इंस्पेक्टर में, मैंने देखा था कि वहाँ पे कोवैक्स के अंडर जो है सबसे पहले वैक्सीन किसको प्रोवाइड की गई, तो वो घाना था। ठीक है, तो वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ द UAE, तो UAE की जो पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है तो वो कौन है, नौरा अल मात्रोशी। ठीक है, तो इंडिया की होती तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ द एक्सीलेंट इनॉग्रेटेड, तो इसमें क्या है कि जो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब ये सेंटर्स जो है वो इनॉग्रेट किए गए हैं फॉर रोइंग डिसिप्लिन के लिए एट द GNK स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी इन श्रीनगर। ठीक है, प्रेजेंटली जो है वो GNK में दो जो हैं वो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वो हैं GNK में। तो पहला कौन सा है, GNK स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी जो श्रीनगर में है, और मौलाना आज़ाद स्टेडियम फॉर द फेंसिंग डिसिप्लिन जो कहाँ पे है, जम्मू में है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द RCEP, तो RCEP को जो सबसे पहले जो है वो रेटिफाई किया था सिंगापुर ने। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो RCEP हैं ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में जो है ये ट्रेड जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन होना था, तो इसमें इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन से हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, तो इसमें 10 एशियान मेंबर्स हैं, और रेस्ट आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो इसका मेंबर्स हैं। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर जो है वो नहीं है, इंडिया ने इससे क्विट कर दिया था, इंडिया ने इसे साइन जो है वो नहीं किया था। नेक्स्ट इज़ हु रिसीव्स द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर, तो किसको मिला है, वो है फिल्म मेकर गुनीत मोंगा। ठीक है, अंबेडकर जयंती जो है उसे इक्वालिटी डे जो है एज अ सेलिब्रेट करेंगे ऑन 14th of April। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ई सैंटा, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट द एक्वा फार्मर्स एंड द बायर्स। तो यहाँ पे क्या है, एक्वा फार्मर्स मतलब जो फिशिंग वगैरह श्रिम्प वगैरह मतलब इनमें जो है डील करते हैं फार्मर्स, और बायर्स मतलब जो इनको खरीदें या कंपनीज हो गई या एक्सपोर्ट करते हैं जो लोग, उन्हें कनेक्ट करने के लिए ई सैंटा जो है वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज़ 37th सियाचिन डे सेलिब्रेटेड, तो सियाचिन डे हम 13th अप्रैल को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑन दिस डे इन 1984 इंडियन ट्रूप्स ने जो है अनफर्ल किया था द ट्राई कलर एट द बिला फोंडला लॉन्चिंग द ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, ये बिला फोंडला जो वहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे इन्होंने ट्राई कलर अपना जो है वो फहराया था, झंडा फहराया था हमारा, और ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हु इज़ द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, तो वो कौन है, पूनम गुप्ता। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो है हमारे सुशील चंद्र जी। नेक्स्ट इज़ JNK LG मनोज सिन्हा इनाग्रेट्स द CIIIT, ठीक है, दैट इज़ सेंटर फॉर इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग एट द गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज जम्मू। तो ये जो है ये ध्यान में रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज़ ई पंचायत अवार्ड जो है वो इस बार जो है वो मिला है UP को। आपने मुझे बताना है कि ये 2020 में जो है वो किसे मिला था। ठीक है,
वर्ल्ड आर्ट डे तो वो सेलिब्रेट करते हैं 15th of April। अब है 6th रेजिनिया डायलॉग। ये क्या है, ये रेजिनिया डायलॉग क्या है, ये एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस होता है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे ये बेस्ड होता है जो हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 2016 में। ठीक है, तो इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, हु एडेड द पाकिस्तान इन द अनडिजायरेबल 21 हाई रिस्क कंट्रीज। तो यूनाइटेड किंगडम ने जो है वो पाकिस्तान को अनडिजायरेबल 21 हाई रिस्क कंट्रीज़ के लिस्ट में जो है वो डाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज टूरिज्म डायरेक्टरेट ऑर्गेनाइजेज द शिकारा रैली। ठीक है, तो ये शिकारा रैली कहाँ पर होती है, डल लेक में होती है। ठीक है, श्रीनगर में। नेक्स्ट इज गगनयान मिशन। ठीक है, अब गगनयान मिशन क्या है, ये हमारा इंडिजीनियस मिशन है कि हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो स्पेस में भेजेंगे। अगर इंडिया ने जो सक्सेसफुली अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज दिया तो इंडिया जो होगा वो 4th कंट्री होगा आफ्टर द USA, चाइना एंड रशिया। ठीक है, इट इंटेंड्स टू सेंड 3 एस्ट्रोनॉट्स, 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे 7 दिन के लिए 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया हैज सिग्ड, हाँ इंडिया ने इसमें किससे हेल्प ली है, रशिया से और फ्रांस से। ठीक है, दोनों कंट्रीज से जो है वो हेल्प ली है ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाए, तो और भी कुछ कुछ जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं कि किस तरीके से स्पेस में रहना है, तो ऑल दीज थिंग्स जो है इन्हीं कंट्रीज से जो उन्होंने क्या किया है, हेल्प ली है। नेक्स्ट इज ड्यूरोकिया सीरीज लॉन्च बाय द एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, ये ड्यूरोकिया क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं दुनिया के पहले अफोर्डेबल मतलब सस्ते और लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका जो रेट है वो स्टार्ट होता है ₹189 से स्टार्ट होगा और ये किल करेगा 99.99% जर्म्स इंस्टेंटली। ठीक है, ये अफोर्डेबल भी है गरीब लोगों के लिए इस टाइम। ठीक है, तो कोरोना के टाइम पे वैसे भी जो है सेफ्टी सबसे पहले है, तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट होगा, अगेन कमेंट सेक्शन इज़ देयर, यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कोरोना जो है वो काफ़ी जो है वो इस टाइम जो है फैल रहा है, ज़्यादा पीक पे है, तो अपने घर रहिए, स्वस्थ रहे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम के लिए आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, अपना बेस्ट जो है वो तैयारी कीजिए एग्ज़ाम जब मर्जी हो। ठीक है, बस जब एग्ज़ाम आए तो आप जो है वो रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।